अंदर जीव होता है तभी उसका विकास होता है। उसको जब तुम उबालोगे तो जीव तड़फ तड़फ करके अंदर कष्ट पाता है और अंडा फिर मर जाता है, और अंडे के अंदर भरा हुआ मुर्गे मुर्गी का रसवीर उसको तुम खाते हो, कितना गंदा है ये रसवीर, कभी नहीं खाना चाहिए। और ये भी याद रखना, मछली दुनिया की हर गंदी चीज को खाती है, खाक खाती है, लार थूक खाती है, नाक खाती है, मछली लेटरिन खाती है, गोबर खाती है, मुर्दे को खाती, सड़ा गला खाती है, इसलिए मछली के शरीर से बहुत बदबू आती है। वो आदमी कितना हिम्मती है जो ऐसी गंदी मछली को खा लेता है, मुंह में रखता है, फिर पेट में पहुंचती है और फिर कहता है कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ही गड़बड़, मत खाना मछली। आकाश की सफाई के लिए प्रकृति ने चिड़िया बना दिया कि वायुमंडल की सफाई करना, धरती की सफाई के लिए सुअर बना दिया, और ये भी याद रखना जल की सफाई के लिए मछली और कछुआ बना दिया, लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो जल थल और आकाश नभ की सफाई करने वालों की ही सफाई कर देता है, ये तीनों को खाकर खत्म कर देता है। सुअर भी कितना गंदा है, टट्टी खाता है, और टट्टी खाने वाले सुअर को ये आदमी खाता है, धिक्कार है इस आदमी को, और कहता है इसमें बहुत विटामिन प्रोटीन है, क्योंकि सुअर जो है मुंह से ही सब खेत में गड्ढा खोद देता है, और इसमें हम लोग तो फावड़ा से खोदते, कुदाल से खोदते हैं, ये मुंह से कर देता है, तो सुअर खा लूंगा तो हमें भी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह से ही खेत खोद दूंगा सब। अरे तो इतना विटामिन प्रोटीन करोगे क्या, और मुंह से खोदने के लिए तुमको जरूरत क्या है, तुम्हारे पास सब यंत्र हैं, एम्प्लीमेंट्स हैं, उनसे खोदिए, खेती बाड़ी कीजिए, सुअर खाना बिल्कुल नहीं। और बड़ी मजे की बात है, मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू कहता है कि कणकण में राम है, और यदि इसकी बात सच है, ये मानता है, तो कणकण में राम है तो क्या मुर्गा में राम नहीं है, अंडे में राम नहीं है, गाय भैंसा में राम नहीं है, गाय भैंसा में क्या कण हो, जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है, उसमें भी तो खुदा है। गाय को मार कर खाओगे खुदा मर जाएगा, भैंसे को मार कर खाओगे भैंसा मर जाएगा, अंडे को उबाल कर खाओगे अंडा कणकण में राम उसका राम मर जाएगा, और यदि तुम बकरा मुर्गा मछली खाओगे उसमें भी राम है, कणकण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो खुदा और राम को भी तुम मारते हो, और फिर कहते हो हम भगवान के पुजारी हैं, अल्लाह के पुजारी हैं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह, और कहते हो रघुपति राघव राजा राम, और पता ना पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम और रघुपति राघव राजा राम। हाँ, दारू पीते गंगा राम, क्या बात है। एक आदमी कह रहा था जब मैं दारू पीता हूं तो कंठी को पीछे कर देता हूं, और जब नशा उतर जाता तो फिर घुमा के आगे कर देता हूं, तो मैंने कहा कंठी पहना क्यों, बोले पहना था, सब पहन रहे थे तो पहन लिया, हिसाब लगाया नहीं, अब फंस गया तो दारू पीने को वक्त आता तो पीछे कर, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अखंड भक्त बनो, अविचल भक्त बनो, और ऐसे महान भक्त बनो, आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो, गंगा जिनके चरणन बहती, चाहती है पग की धुरिया हो सब मिलके नहाए लो, दुखित सुखित होए कुटुंब जमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। एक आदमी किसी के यहाँ दावत में गया, छोटी कहानी है सुना दूं, अभी 4:45 बजा है, 15 मिनट का टाइम है अपने पास, 10 मिनट 5 मिनट और सुना सकता हूँ, केवल 5 मिनट बस, उसके बाद बंद करूंगा। तो आदमी दावत में गया, तो मीट की दावत, मांस परोसा जा रहा था, तो उसकी प्लेट में मांस लाकर रख दिया, तो उसने मना कर दिया कि मैं मांस नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया। तो उसके मित्र ने पूछा कि आप दावत में आए, मेरे परम मित्र हैं, आप मांस खाना छोड़ दिए, आज तो मीट की दावत ही है, बड़ी गजब की बात है, लोगों को धिक्कार है, आपका दांत टूट जाता है, उस दांत की हड्डी को मुंह में नहीं रखते हो, तुम फेंक देते हो, दांत से खून आता है उसको तुम कुल्ला करके थूक देते हो, लेकिन बकरे और मुर्गे की हड्डी मुंह में रखकर चबाते हो, धिक्कार है, अपने दांत की हड्डी भी स्वीकार नहीं है, और ये बकरे मुर्गे की हड्डी कैसे चबाते हो, उसका खून कैसे मुंह में रखते हो, बहुत बड़ा पाप लगेगा इससे, जियो और जीने दो ऐसा संकल्प लो, आज से संकल्प ले लेना, मांस मछली अंडा नशा शराब इसी पंडाल में त्याग करता हूं, और सनोखर से सात्विक विचार लेकर के जाना है, और सारी बुराई को यहीं छोड़ना है। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, महान आत्मा हो, तुम कहां इन गंदी गंदी चीजों में फंसो हो, ये सब आदतें छोड़िए, खाना पीना भी सुधार कीजिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत् दुःखः।
श्री कृष्ण कहते हैं जो सुखी होना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, वह लोग आहार विहार में शुद्धि करें, शाकाहारी बने। कृष्ण कहते हैं और कर्म यथा योग्य करें। तीसरी बात कहते हैं सोना और जागना भी यथा योग्य करें तो उनके दुख दूर होंगे, सुख भरपूर होगा और उनका जीवन का चमकता हुआ नूर होगा और उनसे कभी गुरुदेव की कृपा दूर नहीं होगी। उनका अंदाज एक ऐसा होगा, जो आदमी दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा प्रकृति करती है, जो दूसरों को जिंदगी जीने का मौका देता है उसको लंबी जिंदगी कुदरत प्रदान करती है। इसलिए किसी को मारना खाना मत। दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। जीव घात नहीं कीजिए बहुरिले तो वही कान, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटि हीरा देहु दान। अंकुर भखे सो मानवा मांस भखे सो स्वान, और जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। मीट की दावत में बैठा हुआ मित्र मीट खाने के लिए मना कर देता है। जो मित्र दावत कर रहा था वो पूछता है कि आप क्यों नहीं खा रहे। कोई तीर्थ में स्नान करने गए वहां मीट छोड़कर आ गए, बोले नहीं तीर्थ तो जाता ही नहीं, मैं तो नास्तिक हूं। कोई गुरु मिल गया, गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, छोड़ दिया खाना पीना ऐसा वैसा, बोले गुरु गुरु तो करता ही नहीं। कोई सत्संग में गए थे क्या, बोले सत्संग में तो बाप दादे भी कभी नहीं गए, पूरा नास्तिक परिवार है। बोले फिर छोड़ा कैसे, इतना बड़ा त्याग हुआ कैसे। तो उसने हंस करके कहा मेरे मित्र बूढ़ा हो गया हूं, दांत टूट गए, अब हड्डी चबाते नहीं बनता है, इसलिए छोड़ दिया। इसको त्याग नहीं कह सकते, ये मजबूरी है। जैसे समाज में कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, वही है बात। दांत भी अच्छे हो आंत भी अच्छी हो उस समय मीट मछली का त्याग किया जाए। और जिन्होंने मीट मछली अंडा मुर्गा शराब का सेवन कभी नहीं किया है वह धरती के देवी और देवता होते हैं, और उन्हीं का जीवन महकता है, खुशबू फैलाता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को भी जीतिए और स्वीकार कीजिए धर्म की मर्यादा, इनकार कीजिए अधर्म के कर्मों को, पाप से ऊपर उठ जाइए, जिंदगी में संताप नहीं आएगा। संत की सेवा कीजिए, कोई श्राप का असर नहीं होगा, श्राप कट जाएगी। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, बोले एक साधु नाराज हो गया, श्राप दे दिया है, क्या करूं। तो मैंने कहा मैं भी साधु हूं, मैं काट देता हूं श्राप उसकी। लोहा लोहे से कटता है, अगर साधु ने श्राप दिया तो साधु ही काट सकता है। मैंने कहा है कटवाना है तो आओ, बोले काट दो। तो मैंने कहा चक्कू लाओ, बोले मेरे अंगुली थोड़े काटनी है, श्राप काटनी है। मैंने कहा चक्कू लाओ नींबू काट दो, नींबू कटा की श्राप कट गई। बोले नींबू कटने श्राप कटेगी। मैंने कहा सब ज्ञान है तो इसका मतलब क्या होता है, श्राप देने वाला महान नहीं होता है, फूल जब देता है तब खुशबू देता है और सूरज जब देता है तो रोशनी देता, सूरज कभी अंधेरा नहीं देता है। इसलिए याद रखना संत जब देता है तो आशीर्वाद देता है, और जो श्राप देता है वो संत के लेवल का ही नहीं होता। संत तो आशीर्वाद ही देते हैं, और सबके लिए आशीर्वाद है आपकी एक एक मनोकामना मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो और आपका मन प्रसन्न होकर यहाँ से लौटे। दुखित सुखित होए कुटुंब जेवा वे मरण बार एकसर दुख पावे। एका पापानि कुरते फलम भोगते महाजना भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिपते।
नीतिकार कहता है कि एक मनुष्य पाप करके धन कमा कर लाता, परिवार को पालता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो उसे अपने पाप कर्मों का फल अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। और कहें कबीर या कल है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कबीर साहब कहते हैं ये दुर्बुद्धि रूपी खोपड़ी में जो कचड़ा भरा हुआ है ये सब तुम्हारा खोटापन है, और जो अंदर भरा है वही बाहर निकल कर आता है। इसलिए अपनी बुद्धि में शांति सद्विवेक जागृत कीजिए, ताकि लोगों से मिलो तो उनको भी शांति प्रदान कीजिए।